गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 13 अगस्त है और हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। स्टे के साथ ही इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, फूड और स्टे अगर अच्छा रहे तो आपका जर्नी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखिए, हम जिस होटल में रुके हुए थे, यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है, काफ़ी अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। टी, कॉफ़ी, कॉर्न फ्लेक्स के साथ आप देखिए अमृतसरी छोले विद भटूरे, जिसको जैसे पसंद है वो खाएं। स्टफ वेजिटेबल पराठा, उसके साथ पोहे भी थे, वेजिटेबल सैंडविच, फ्रेश जो फ्रूट सलाद है वो भी है। ये देखिए, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही फेवरेट। ये देखिए छोले और भटूरे, और इसका इंटीरियर भी देखिए बहुत ही बढ़िया रहा, हमें अच्छा लगा। डाइनिंग यहाँ पर खाना खाने के लिए बहुत अच्छा, मज़ेदार खाना खाने के बाद हम निकल पड़े। ये देखिए, ये पिक्चर पैलेस का ये जंक्शन है, यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं लाल टिब्बा के लिए। लेकिन लाल टिब्बा पहुंचने से पहले हम जाएंगे चार दुकान। और ये देखिए अप्रैल है, तो दोस्तों आपसे रिकमेंडेड है कि स्पोर्ट्स शूज पहन के आए और अगर हो सके तो स्कूटी से जाए। तो दोस्तों, टहलने निकले हैं, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह नहीं है, 12:30 हो रहा है और हम जा रहे हैं लाल टिब्बा। अब पता नहीं सही डिसीजन है कि नहीं बाय फुट जाना, ठीक है, टाइम ही टाइम है। अब थोड़ा सा वो थकावट हो जाता है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है यहाँ पर, और मसूरी की जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। देखते हैं कितना पहुँच पाए। मैं एक्चुअली मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा वर्ड्स में, बट आपको हल्का हल्का जो पानी के जो छींटे होती हैं ना, ये जो फॉग में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं क्यों इतने लोग जो सिटी की लाइफ को छोड़ के आना चाहते हैं हिल्स पे, वो फिर वही कमर्शलाइजेशन हो जा रहा है, इतनी गाड़ियां आ चुकी है। ये काफ़ी लंबा वीकेंड हो गया तो नियर बाय स्टेट से काफ़ी लोग आए हैं। ये मसूरी वैसे भी बहुत अच्छा है, नेटवर्क है ये स्ट्रीट्स का, और आप ऐसे ही टहलते टहलते कहीं और निकल जाएंगे, फिर वहाँ से फिर यू टर्न मिल के आप फिर वहीं वापस आ जाएंगे। मतलब इतना अच्छा नेटवर्क है यहाँ पर स्ट्रीट्स का, आप कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे। मैं एक्चुअली ट्राई भी किया लेकिन मैं फिर देखा कि मैं सेम पोजिशन पर या सेम लोकेशन पर पहुँच गया। आपको दिखाते हैं, देखें, ये शायद क्लॉक टावर है, हाँ ये क्लॉक टावर है, और ये देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम की घरें हैं ये। ये देखिए, बर्थ ऑफ मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स, 2023, 200 साल हो गए। ये देखिए दोस्तों, पहुंच गए हैं मसूरी का क्लॉक टावर। यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बावडीज, जैन टेम्पल, जामा मस्जिद, सनातन धर्म, गुरु लैंडर कम्युनिटी हॉल, सेंट पॉल चर्च, चार दुकान, लाल टिप्पा, चार दुकान। I'm
सच ए ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। तो दोस्तों हम निकल पड़े पिक्चर पैलेस जो हमारे डेस्टिनेशन रहा रात भर का। तो अगले दिन हम निकल पड़े यहाँ से लाल टिब्बा के लिए। लाल टिब्बा के लिए जाने का रास्ता जो है वो पिक्चर पैलेस से ही होता है। आप बाय फुट भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग प्लेन्स के रहते आए हुए हैं तो हमें चढ़ाई काफ़ी तकलीफ़ होती है चढ़ने में। आप स्कूटी से भी जा सकते हैं। चार दुकान तक पहुंचने का जो रास्ता है बहुत ही मनमोहक है। पाइन ट्रीज, पाइन के फॉरेस्ट से घिरा हुआ है ये, और कम से कम 3 किलोमीटर लग जाता है पहुंचने में। समय कम से कम 45 से 1 घंटा लगता है। और ट्रैकिंग वाला शूज़ ज़रूर पहने, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और हम भी निकल पड़े दोस्तों उसके बाद लाल टिब्बा। मसूरी का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है लाल टिब्बा। हम चार दुकान से लाल टिब्बा, आधे घंटे का मतलब अगर चढ़ाई देखें तो आधे घंटे में पहुंच सकते हैं आप। बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। आप अगर आते हैं मसूरी तो ज़रूर आप लाल टिब्बा आए। लाल टिब्बा लैंडोर में आता है, यहीं पर सिस्टर बाज़ार भी है, आप उसे देखें। बहुत फेमस बेकरी शॉप है लैंडोर्स बेक हाउस, बहुत ही फेमस है। तो लाल टिब्बा में एक व्यू पॉइंट है, बाइनोकुलर व्यू पॉइंट आप उसमें देख सकते हैं। अक्सर हिमालयन रेंजेस आपको दिखता है वहाँ पर, काफ़ी बड़ी बाइनोकुलर लगी हुई है छत पे। और वहाँ का फेमस चीज़ चिकन सैंडविच बहुत ही फेमस है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, हमने भी ट्राई किया है। और ये हो गया है ट्रैफिक जाम जंक्शन पे। ये देखिए ट्रैफिक पुलिस वाला जो भाई साहब है वो देखिए कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। पूरा हिल पे रुका हुआ है गाड़ी। और फिलहाल हम जा रहे हैं, आप देखिए क्या नाम है, केबोस कैफे, नागा कोरियन जापनीज चाइनीज़, यहाँ जा रहे हैं खाना खाने। और ये देखिए शायद काफ़ी पुराना स्टाइल का बना हुआ है घर। काफ़ी पुराना है और हम कैफ़े में एंट्री कर रहे हैं। पता नहीं कैफ़े बंद है। ओहो तो देखिए दोस्तों समय का पता ही नहीं चला, इतना अच्छा वेदर था। हम घूमते घामते हम पहुंच गए। और ये देखिए पहाड़ों पे ये जंगली फूल जो कि यहाँ के प्रसिद्ध डालियाज प्रजाति में से आती है, कुछ 7 से 8 तरीके के हैं। यहाँ पर लाल, पीला, बैगनी, नारंगी, काफ़ी तरह के रंगों का ये डालियाज होता है। और ये देखिए ये रास्ता चार दुकान के लिए जा रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर आए। और हम फाइनली पहुँच गए हैं चार दुकान, ये देखिए चार दुकान। तो आप फाइनली पहुंच गए हैं चार दुकान। ये देखिए ये है चार दुकान। फाइनली हम पहुंच गए हैं चार दुकान। ये देखिए हमारे पीछे जो है ये है चार दुकान।
ये देखिए दोस्तों, चार दुकान, 1, 2, 3, 4, और उसके साथ एक नया एक्सटेंशन है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको जान के अच्छा लग रहा होगा कि आप लाल टिब्बा पहुंचने वाले हैं। ये लाल टिब्बा जो है समुद्र तल से 2275 मीटर ऊपर है, कम से कम 7164 फीट। और ये लाल टिब्बा से आपको नीलकंठ पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ पर्वत को आपको देख सकते हैं। और देखने के लिए लाल टिब्बा पे एक जापानियों द्वारा टेलीस्कोप रखा गया था, जो कि 20 फीट हाई एक क्लिफ पे रखा गया है, इससे आप ये सारी जगह आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये सेंट पॉल्स चर्च है, जो कि एंग्लिकन चर्च है लैंडोर इंडिया में। और इस चर्च को बनाया गया था 1839 में, और एक मई जो है 1840 में डैनियल विल्सन, बिशप ऑफ कैलकटा ने आके इसके शुद्धिकरण किया था। उसके बाद 1840 से 1947 तक चर रन किया जा रहा था मिलिट्री चैपलियंस के साथ ब्रिटिश राज के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ये चार दुकान, यहाँ पर अंग्रेज अपने कंटोनमेंट के जो साथी हुआ करते थे उनके साथ बैठ के यहाँ पर अंग्रेजी जो स्नैक्स है वो खाना पसंद करते थे, जिसमें काफ़ी सारे फेमस बन ऑमलेट है, उसके बाद एप्पल सिनेमन वेफल्स है, चीज़ के काफ़ी सारे स्नैक्स आते हैं। तो ये जो है कम से कम 100-150 साल पुरानी जगह है, और यहाँ पर आजकल जो है वो एक हाईलाइट बन गया है मसूरी का, कि चार दुकान और उसके साथ सिस्टर बाजार देखना, और लाल टिब्बा तो फेमस है ही है उसके व्यू पॉइंट। तो फाइनली पहुंच गए लाल टिब्बा, और लाल टिब्बा के साथ ही चार दुकान है कुछ डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस पे आपको बहुत सारे अच्छे सीनिक व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तो चार दुकान में अगर आप पहुंचते हैं तो दो कैफे मिस मत कीजिएगा, एक है अनिल्स कैफे और दूसरा है टिप टॉप टी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। ये सेविक कैफे लाल टिब्बा है, और हम पहुंच गए हैं लाल टिब्बा। कितना अभी देना? हाँ बताइए। बाद में अगर आप ऑर्डर करते हैं मेन्यू में से पर आइटम पर टिकट डिस्काउंट होता है। क्या क्या है आपके यहाँ पर अच्छा खाने में? कौन सा? नहीं नहीं, जो फेमस पर्सनैलिटी है दोनों में ही बता दो। फेमस बेक सैंडविच, मोमोज,
ब्राउनी एंड कॉफी, चिकन में जो फेमस है चिकन सैंडविच, चिकन पिज्जा। और देखिए देता हूँ मेरे को चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच, चलिए अच्छा खाएंगे। अच्छा ये टिब्बा का मतलब क्या है बता पाएंगे? सबसे ऊंची चोटी और एक कमर्शियल मछली का सबसे लास्ट पॉइंट है। सो ना ये ना स्पेशली लास्ट पॉइंट है। और टिब्बा का मतलब क्या है? अच्छा 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 सॉसेज में हमें केचप लेगा, शेजवान लेगा, पूरी सॉस, ये कितने लेयर का है क्या है? सैंडविच एंड उसमें बोनलेस एंड चिकन सीख चिकन टिक्की का सब ऐड रहता है, चीज़ बर्गर रहता है और लाल टिब्बा का सबसे बेस्ट आइटम है।